सो ही व्हाट्सएप गेमर्स, कैसे हो आप सभी लोग। तो भाई लोग आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नेपाल सर्वर ट्रांसफर के बारे में। तो भाई लोग मैं होप करता हूँ आप लोगों को अभी तक पता चल गया होगा कि नेपाल का सर्वर ट्रांसफर होने वाला है, एंड आप लोगों को पूरी न्यूज़ पता चल गई होगी। अगर नहीं पता तो आप लोग बता दूंगा मैं। एंड उसके अलावा जो ये न्यूज़ आ रही है नेपाल सर्वर ट्रांसफर की, इसका क्या आउटकम निकलने वाला है, मतलब इसके क्या अफेक्ट पड़ने वाले इंडियन सर्वर पे, एंड जो हमारा ई स्पोर्ट्स चलता है उस पर क्या अफेक्ट पड़ने वाले हैं, वो लोग बात करने वाले हैं आज के वीडियो में। एंड अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि जो नेपाल सर्वर है अगर ट्रांसफर हो जाता है तो उसके स्पोर्ट प्लेस का क्या होगा, एंड उसके अलावा हमारे इंडियन सर्वर का क्या होगा, बांग्लादेश सर्वर का क्या होगा, अगर आप लोग ये सब सोच रहे हो तो आज की वीडियो में हम लोग इस टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो लोग वीडियो को देखते रहना एंड तक। आज का वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। एंड भाई लोग अगर आप लोग नहीं हो तो फटाफट सब्सक्राइब कर दो यार, आप लोगों ने जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन देखना सब्सक्राइब कर दो एंड बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर सेट कर देना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, कल गेम में 2 या 2:30 बजे के अराउंड एक नोटिस आया था, एंड उस नोटिस में ये लिखा था कि जो हमारा नेपाल सर्वर है वो ट्रांसफर होने वाला बांग्लादेश सर्वर में। अगर आप लोग अभी गेम ओपन करोगे तो आप लोग नोटिस देखने को नहीं मिलेगा, घर ने उसको रिमूव कर दिया है, लेकिन कल ऑलमोस्ट वो 1 घंटे के लिए हमारे गेम में अवेलेबल था। एंड जो नोटिस था ना उसमें बहुत सारी बातें लिखी गई थी, तो क्या क्या बातें थी आप लोग बताने वाला हूँ। एंड उस नोटिस में 7 से 8 पॉइंट्स भी थे, अलग अलग इन्फॉर्मेशन थी उसमें, तो वो मैं आप लोग पढ़ के बताऊंगा कि उसमें एक्जेक्टली लिखा गया था। एंड आप लोगों को पता होगा पहले जो हमारा इंडियन सर्वर था उसमें 4 कंट्री आती थी, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश एंड नेपाल। एंड ऑलमोस्ट 1 साल पहले पाकिस्तान को अपना अलग सर्वर मिल गया था, एंड ऑलमोस्ट 6 महीने पहले बांग्लादेश को अपना अलग सर्वर मिल गया था। तो करंटली कुछ समय पहले तक जो नेपाल था हमारे इंडिया सर्वर में था, एंड इंडिया सर्वर में बस 2 कंट्री थी, इंडिया एंड नेपाल। लेकिन अब जो नेपाल सर्वर है वो ट्रांसफर होने वाला बांग्लादेश में, एंड इंडियन सर्वर में बस अब इंडिया ही रह जाएगा। एंड बात करें कि यार इंडियन सर्वर में इंडिया भी नहीं रहने वाला है, क्योंकि जो इंडियन सर्वर खत्म होने वाला है, क्योंकि जो हमारा फ्री फायर बैन हो चुका है एंड अपडेट के बाद आप लोग उसको अपडेट कर नहीं पाओगे, जो हमारा इंडियन सर्वर चलेगा ही नहीं। एंड जो हमारा इंडियन सर्वर है वो ओनली फ्री फायर मैक्सिमम चलेगा, एंड ओनली इंडिया के बंदे उस इंडियन सर्वर में खेल पाएगी। तो अब हमारा जो अपडेट आ जाएगा तो उसके बाद जो हमारा इंडियन सर्वर है उसमें बस इंडिया रह जाएगा, एंड बांग्लादेश सर्वर में नेपाल एंड बांग्लादेश हो जाएगा, एंड पाकिस्तान को अपना अलग सर्वर मिल ही चुका है। तो ऐसे जो हमारे 4 सर्वर एक कंट्री में आते थे पहले, अब वो अलग अलग सर्वर्स हो चुके हैं, एंड हर एक कंट्री को अपना अलग अलग सर्वर मिल चुका है। एंड जो नेपाल है, नेपाल में बहुत कम फ्री फायर प्लेयर्स, मतलब ज्यादा अमाउंट के फ्री फायर प्लेयर्स नहीं है, इसलिए उसको अलग सर्वर नहीं मिल सकता। अगर वहाँ पर ज्यादा अमाउंट के प्लेयर्स होते तो शायद वहाँ पर एक अलग सर्वर मिल जाता। तो वहाँ पर कम प्लेयर्स होने की वजह से नेपाल को बांग्लादेश सर्वर में डाल दिया गया है। तो जो नोटिस आया था उसमें क्या एक्जेक्टली लिखा था, एंड उसमें कौन सी डेट बताई गई है, क्या क्या पॉइंट्स लिखे गए हैं, चलिए मैं आप लोगों को पढ़ के दिखा देता हूँ। सर देखो, यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि 21st of March को जो हमारा नेपाल सर्वर है वो बांग्लादेश में ट्रांसफर हो जाएगा। एंड आप लोगों को ये बात पता होगी कि जो हमारा ओबी अपडेट है वो 23 ऑफ मार्च को आने वाला है, लेकिन जो हमारा सर्वर ट्रांसफर है वो 21st ऑफ मार्च को ही हो जाएगा। एंड 18 से 20 मार्च के बीच में आप लोगों के मेल सेक्शन में आप लोगों को मेल आ जाएगा, जो भी बंदे नेपाल से है उनके मेल सेक्शन में एक मेल आ जाएगा, एंड आप लोगों को हर एक डिटेल बता दी जाएगी, एंड आपके सर्वर ट्रांसफर के बारे में आप लोग हर एक डिटेल बता दी जाएगी। एंड फिर नीचे गरना फ्री फायर ने कुछ क्वेश्चन का जवाब दिया है, आप लोगों के मन में कुछ क्वेश्चन आएंगे कि नेपाल के सर्वर क्यों ट्रांसफर हो रहा है या फिर क्या होगा हमारे आईडीज का वगैरह, आप लोगों के मन में जो भी डाउट्स आ रहे होंगे, तो ये सब क्वेश्चन आंसर का जवाब गरना फ्री फायर ने नीचे दिया है। तो जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है वो ये है कि नेपाल सर्वर को ट्रांसफर क्यों किया जा रहा है। तो यहाँ पर गरना फ्री फायर ने कहा है कि आप लोग गेमिंग एक्सपीरियंस को ऑप्टिमाइज करने के लिए सर्वर ट्रांसफर किया जा रहा है, लेकिन जो रियल रीजन है वो हम सबको पता है। जो हमारे इंडियन गवर्नमेंट है उन्होंने गरना फ्री फायर को इंडियन सर्वर से बैन कर दिया है, एंड कुछ समय बाद जो हमारा इंडियन सर्वर है वो परमानेंटली शटडाउन हो जाएगा। एंड अगर हमारा इंडियन सर्वर शटडाउन होता है तो यहाँ से जो नेपाल सर्वर वाले प्लेयर्स है वो बेवजह लटक जाएंगे, क्योंकि इंडिया में तो बैन हो चुका है लेकिन नेपाल सर्वर वालों की कोई गलती है नहीं, तो इसलिए उनका सर्वर बांग्लादेश सर्वर में डाल दिया जा रहा है। एंड यहाँ पर यह भी लिखा है कि ओनली जो नेपाल प्लेयर्स है वही यहाँ पर ट्रांसफर किया जाएगा, अगर आप लोग इंडिया से हो तो आप लोग अपनी आईडी ट्रांसफर नहीं कर सकते बांग्लादेश में। जो नेपाल के प्लेयर्स है जो नेपाल के कंट्री में रहते हैं सिर्फ वो ही अपनी आईडी ट्रांसफर कर सकते हैं बांग्लादेश सर्वर में। एंड इसके अलावा अगर आप लोग अकाउंट में कोई वीकली या फिर मंथली मेंबरशिप चल रही है, तो जब आप लोग अपना अकाउंट ट्रांसफर कर लोगे तो वो वीकली या मंथली मेंबरशिप आप लोग के अकाउंट में एक्टिव रहेगी। तो एक और क्वेश्चन आप लोग के माइंड में आ सकता है कि अगर समझ लीजिए एक गिल्ड है, एंड उस गिल्ड में नेपाल के प्लेयर्स भी है एंड इंडिया के प्लेयर्स भी है, तो उस गिल्ड का क्या होगा, मतलब वो गिल्ड क्या डिसबैंड हो जाएगी या फिर वो ट्रांसफर हो जाएगी, मैं आप लोग बताता हूँ। तो देखो, अगर कोई गिल्ड है एंड उस गिल्ड का गिल्ड लीडर जो है वो नेपाल से है, तो जो गिल्ड होगी वो बांग्लादेश में ट्रांसफर हो जाएगी। एंड अगर कोई गिल्ड है जिसमें नेपाल के प्लेयर्स है बट जो उसका लीडर है वो इंडिया से है, तो जो गिल्ड है वो यहाँ पर ट्रांसफर नहीं होगी, बट जो लीडर है उसको एक नोटिस चल जाएगा कि आप लोग जो अपने प्लेयर्स है उसको एक तो किक कर दो या फिर कुछ और नोटिस भेज दिया जाएगा गरना के द्वारा। एंड उसके अलावा जब गिल्ड ट्रांसफर होगी तो जितने बंदे गिल्ड के वो सब गिल्ड में रहेंगे, बट आप लोग उनके साथ प्ले नहीं कर पाओगे, मतलब समझ लीजिए आप लोग नेपाल से हो, मतलब जो गिल्ड नेपाल से है एंड जो गिल्ड है वो ट्रांसफर हो गए बांग्लादेश में, तो जो भी प्लेयर्स थे इंडिया के उस गिल्ड में रहेंगे बट आप लोग उनके साथ खेल नहीं पाओगे, जो सर्वर डिफरेंट हो चुके हैं। एंड आप लोग के माइंड में एक और क्वेश्चन आ सकता है कि समझ लीजिए कोई प्लेयर नेपाल से है एंड उसकी फ्रेंड लिस्ट में बहुत सारे इंडियन प्लेयर्स है, तो सर्वर ट्रांसफर के बाद वो इंडियन प्लेयर्स उसकी लिस्ट में रहेंगे या फिर नहीं। तो मैं आप लोग बता दूं, अगर आप लोग नेपाल से हो एंड आप लोग के अकाउंट में आप लोग आईडी में जो फ्रेंड लिस्ट होती है उसमें इंडियन प्लेयर्स है, तो वो प्लेयर्स आप लोग की लिस्ट में रहेंगे बट आप लोग उनके साथ खेल नहीं पाओगे, मतलब वो जो प्लेयर्स रहेंगे वो आपकी लिस्ट में पड़े रहेंगे, आप लोग उनकी आईडी इंस्पेक्ट कर सकते हो बट आप लोग उनके साथ खेल नहीं पाओगे एंड चैट भी नहीं कर पाओगे। एंड उसके अलावा सर्वर ट्रांसफर से आप लोग आईडी में दो इफेक्ट पड़ने वाले, दो इंपैक्ट पड़ने वाले हैं।
जो आप लोग कस्टम एचयूडी है वो चेंज होने वाले, जो आप लोगों ने सेटिंग्स कर रखी है कस्टम एचयूडी कर रखी है वो सब रिसेट हो जाएगी। तो आप लोग एक बार ध्यान रखना, अगर आप लोग नेपाल से हो तो आप लोग जितने भी आपके कस्टम एचयूडी उसका स्क्रीनशॉट ले लेना एंड सेटिंग्स को भी देख लेना। एंड उसके अलावा जो आप लोग स्टैट्स है आपके आईडी में, आप लोग कितना मैच खेले, कितने बुया किए, केडी रेशियो एंड उसके अलावा हेडशॉट रेट, हर एक चीज रिसेट हो जाएगी। तो आप लोगों को फिर से बनाना पड़ेगा। तो ये जो कुछ क्वेश्चंस है जिसे गर्ना फिरवा ने रिप्लाई किया है, तो ये सब मेन क्वेश्चंस थे। एंड इसके अलावा बहुत सारी चीजें चेंजेस होने वाले हैं क्योंकि सर्वर चेंज हो रहा है, तो बहुत बड़े बड़े चेंजेस आप लोग के आईडी में होने वाले हैं। तो इसके अलावा अगर आप लोग कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हो, कोई बंदा आप लोग रिप्लाई कर देगा या फिर मैं ही आप लोग रिप्लाई कर दूंगा। तो आप लोग अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। तो यार अभी सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि ई स्पोर्ट्स का क्या होगा, क्योंकि हमारे इंडियन सर्वर में जो ई स्पोर्ट्स होते थे उसमें इंडिया की टीम्स भी होती थी एंड नेपाल की टीम्स भी होती थी। तो अभी ई स्पोर्ट्स का क्या होगा एंड जो अभी हमारे गेम में एफआईसी होने वाला था, मतलब अभी हो भी सकता है नहीं हो सकता है, तो उसमें आने वाले हैं वो तो नेपाल को अपने सर्वर में खेलना पड़ेगा, मतलब बांग्लादेश में खेलना पड़ेगा। एंड बांग्लादेश के प्लेयर्स एंड नेपाल के प्लेयर्स एक साथ टूर्नामेंट खेलेंगे तो उनको तो वहाँ पर खेलना पड़ेगा। लेकिन अभी जो टूर्नामेंट पेंडिंग है जस्ट लाइक एफआईसी, उसकी बहुत सारी टीमें क्वालिफाई की है, मतलब नेपाल की टीमें क्वालिफाई की है एंड बहुत सारे नेपाल के प्लेयर्स इंडिया में अभी स्टे कर रहे हैं मतलब टूर्नामेंट की वजह से। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी अगर करंटली कोई यहाँ पर टूर्नामेंट पेंडिंग है तो गरना फ्री फायर उसको करवा देगा। तो बाय चांस अगर अभी कोई टूर्नामेंट पेंडिंग है जिसमें नेपाल प्लेयर्स ने क्वालिफाई किया है एंड नेपाल का सर्वर ट्रांसफर हो जाता है, तो नेपाल प्लेयर्स इंडिया सर्वर की आईडी बना देंगे एंड टूर्नामेंट खेल लेंगे। अगर कोई टूर्नामेंट पेंडिंग है तो वो खेल सकते हैं इंडिया सर्वर में, अभी के लिए शायद ऐसा गरना करेगी। लेकिन अगर कोई टूर्नामेंट पेंडिंग नहीं है तो यहाँ पर उनका जो टूर्नामेंट अभी अपकमिंग आएगी वो बांग्लादेश सर्वर में ही चलेगी। तो ऐसा कुछ डाउट्स हो गया आप लोगों के मन में जो कि मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिए। एंड इसके अलावा यार हम लोग कुछ कर सकते हैं क्योंकि नेपाल सर को ट्रांसफर करना जरूरी था, क्योंकि इंडियन सर्वर बैन हो चुका है, इंडियन गवर्नमेंट ने बैन कर दिया इंडियन सर्वर को। एंड अभी जब अपडेट आएगा तो गरना फ्री फायर जो हमारा इंडियन सर्वर को शटडाउन कर देगी एंड जब इंडियन सर्वर शटडाउन होगा तो इसमें इंडिया के प्लेयर्स भी नहीं खेल पाएंगे एंड नेपाल के प्लेयर्स नहीं खेल पाएंगे। लेकिन नेपाल में तो बैन हुआ है तो उनके साथ नाइंसाफी हो जाती है, इसलिए नेपाल को ट्रांसफर करना बहुत ज़्यादा जरूरी था एंड इसीलिए गरना फ्री फायर ने नेपाल को ट्रांसफर कर दिया बांग्लादेश में। एंड इंडिया की बात करें तो इंडिया से तो चलने वाला है नहीं गरना फ्री फायर, तो हमको फ्री फायर मैक्स खेलना पड़ेगा एंड फ्री फायर मैक्स में हम लोग को अपना गुजारा करना पड़ेगा। एंड 6-7 महीने पहले मेरे अकाउंट में मेरी फ्रेंड लिस्ट में कुछ बांग्लादेश प्लेयर्स थे, पहले वो लोग चले गए क्योंकि 6 महीने पहले बांग्लादेश सर्वर का जो सर्वर था वो अलग हो गया था हमारे इंडियन सर्वर से। एंड देन अभी मेरे फ्रेंड लिस्ट में नेपाल के बहुत सारे प्लेयर्स हैं, तो अभी नेपाल प्लेयर्स भी चले जाएंगे, मतलब यार धीरे धीरे करके सब चले गए एंड इंडिया अकेला रह गया एंड इंडिया सर्वर में बस अब इंडिया ही रह जाएगा। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि आप लोग कौन से कंट्री से हो, आप लोग इंडिया से हो, नेपाल से हो या बांग्लादेश से हो एंड आप लोग क्या चाहते हो, मतलब नेपाल सर्वर ट्रांसफर हो या नहीं, मतलब अभी तो होने वाला है तो कन्फर्म है, बट आप लोग क्या चाहते हो, आप लोगों के ओपिनियन क्या है, आप लोग मुझे फटाफट कमेंट करके बता सकते हो। एंड अगर आप लोग कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है नेपाल सर्वर ट्रांसफर को लेके, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो, एक तो मैं आप लोग रिप्लाई कर दूंगा या फिर कोई भी रैंडम बंदा आप लोग रिप्लाई कर देगा। तो मैं होप करता हूं आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा, तो भाई लोग अगर आप लोग आज का वीडियो पसंद है तो लाइक कर दो एंड फटाफट सब्सक्राइब कर दो यार, आप लोग नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन देखना सब्सक्राइब कर दो एंड बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर सेट कर देना। तो भाई लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग। Flow like water, so I'm going mainstream.